Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gambhiravego Animisam Jyotisam Chakram Ahitam Jasmin Brahmati Kaurabhya Medhyam Iva Gavam Ganaha Gambhiravego Gambhiravego Nimisam Jyotisam Chakramahitam Jasmin Brahmati Kaurabhya Medhyam Iva Gavam Ganaha. मित्र प्रभु है ना तो पढ़िए अनुवाद और तत्पर्य कृपया शब्दार्थ अनुवाद मेरे बाद दोहराएं और तत्पर्य श्रवण करें. गंभीर वेगः अत्यधिक वेग से अनिमिषम निरंतर ज्योतिषाम नक्षत्रों का चक्रम गोलक आहितम जड़ा हुआ यस्मिन जिसके चारों ओर भ्रमति घूमता है अथवा चक्कर लगाता है
कौरव्या हे विदुर मेध्याम मध्यवर्ती स्तंभ इव सदृश गवाम बैलों का गणहा समूह। कृपया मेरे बात दोहराए। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाई और बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ये अनुवाद और आगे आने वाला तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद् भागवत के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। अब ब्रह्म संहिता के इस श्लोक या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी भी एक कक्षा होती है जिसके भीतर यह चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार अन्य समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, किंतु वे सभी मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जहां पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कितना ऊंचा होता है, अतः हम भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान लगा ही नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद। इस समय इस प्रसंग में ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन वर्णन हुआ है। ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान को प्राप्त किए तपस्या द्वारा और फिर राज्य शासन किए 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर शासन किए, और इसके बाद अपना घर अपनी पत्नी और अपने बच्चे सबको छोड़ करके बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम को माना जाता है कि भगवान का धाम है, और वहाँ से भगवान हरि के धाम में जाते हैं वैकुंठ में। ऐसे ये सामान्य मान्यता है। चार धाम हैं, चार धाम में बद्रिकाश्रम सतयुग का धाम माना जाता है। सतयुग में सभी लोग वहीं जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अपने जीवन के अंत समय में बड़े बड़े राजर्षि गण अपना राज छोड़ करके वन में चले जाते थे, खास करके उस वन में जहाँ भगवान नारायण अपने सखा नर के साथ रहते हैं, नर नारायण। तो वहीं पर ध्रुव महाराज गए सर्वस्व त्याग करके, राज्य की विकलता के कारण नहीं, ऐसा नहीं था कि उनको राज्य में कोई तकलीफ थी, लेकिन यही जीवन का लाभ है, सांसारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद अंत में भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार होना ही चाहिए। इस अभिप्राय से वे नर नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ भगवान नित्य रहते हैं। किस प्रकार ध्रुव महाराज ने वहाँ से प्रस्थान किया वैकुंठ में, ध्रुव लोक में,
इसका वर्णन है। बदरिकाश्रम में जाकर ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान करने लगे, अष्टांग योग के साधन द्वारा। आठ अंगों से जो साधन किया जाता है योग का, उसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ये महान भक्त थे, परंतु वहाँ के मुनि जन सभी अष्टांग योग का आचरण करते थे, अतः ध्रुव महाराज भी अष्टांग योग करने लगे। वे स्नान कर लेते थे गंगा जी में और भगवान के ध्यान में डूब जाते थे। उनके शरीर में पुलक छाया हुआ था, आँखों में आंसू, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए थे। भक्ति की पूर्णता में ये अष्ट सात्विक विकार होते ही हैं। वे जप कर रहे थे भगवान के नाम का, तो उसी समय उन्होंने देखा दसों दिशाओं को चमकाता हुआ एक विमान आया, बहुत सुंदर विमान, जो लौकिक नहीं था, दिव्य विमान। तो उसकी ज्योति से और आवाज से ध्रुव महाराज आँख खोल करके देखे कि वो बहुत दिव्य विमान है, बहुत चमक रहा है। तो उस विमान से दो भगवान के पार्षद नंद और सुनंद उतरे। ध्रुव महाराज से मिले और उन्होंने कहा, हे महाराज, आपके लिए ये भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने ये विमान भेजा है, आप इस पर चढ़िए, चलिए वैकुंठ। हम भगवान के सेवक हैं, पार्षद हैं, आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। आपने भगवान को प्रसन्न किया है, जब आप 5 वर्ष के थे उसी समय आपने भगवान का दर्शन किया था, तो भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है। अब इस प्राकृत जगत की सभी स्थितियों से मुक्त होकर के, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के आप वैकुंठ में रहेंगे। भगवान के पार्षदों की ये बात सुनकर ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर अनुभव हुआ। उन्होंने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया, उसमें उनकी वाणी गदगद थी, कुछ बोल नहीं सकते थे, श्लोक नहीं बोल सकते, इसलिए गदगद वाणी में केवल भगवान का नाम बोले।
नाम भी पूरा नहीं बोल रहे थे, हरे कृष्णा किसी की तरह से। तो भगवान का नाम बोलते हुए उन्होंने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। कितनी सुंदर बात निकली थी पार्षदों के मुख से कि आपके लिए भगवान ने विमान भेजा है, हम भगवान के सेवक हैं, आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, आप कृपया इस विमान पर चढ़िए। तो ध्रुव महाराज पार्षदों को प्रणाम किए भगवान के नाम कीर्तन से, और फिर गंगा जी में स्नान किए। स्नान करके फिर विमान को प्रणाम किए, वैकुंठ का विमान भी वैकुंठ जैसा है, तो भगवान का धाम, तो उसको प्रणाम किए। और वहाँ बद्रिकाश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को, मुनियों को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम, सबसे आशीर्वाद ले रहे थे कि आप हम पर कृपा करें, हम भगवान की सेवा कर सकें, अब जा रहे हैं। जो सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके, सबका आशीर्वाद लेकर के ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। एक बहुत बड़े शिला पर वे खड़े हुए, लेकिन विमान बहुत ऊंचा था, उस पर चढ़ना आसान नहीं था। ध्रुव महाराज जब ही चढ़ने के लिए तैयार हुए, उसी समय मृत्यु काल उनके सामने आया। काल जो सबका अंतक है, इस प्राकृत जगत में यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसे सिद्धि मिलती है, भगवान के धाम में जाने की योग्यता प्राप्त करता है, तो उसे शरीर छोड़ना पड़ता है। तो मानो काल ने आकर के कहा कि महाराज आप ठीक है वैकुंठ जाइए, लेकिन ये शरीर छोड़िए यहीं। तो ध्रुव महाराज पत्थर पर खड़े थे, तो काल उनके सामने खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके, तो एक प्रकार से वो सीढ़ी का काम किया। प्रहलाद महाराज काल के मस्तक पर पैर दे करके और विमान पर चढ़ गए। काल देखता रह गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, स्टेप जैसा उसके मस्तक पर पैर रखे और विमान पर चढ़ गए उस अद्भुत भवन में। तो इस प्रकार श्री ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पर पैर दे करके वैकुंठ में चले गए, उस विमान पर चढ़ गए। जबकि भगवान ने नियम बनाया है सबके लिए, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना, भक्तों के लिए कहते हैं गीता में कि शरीर छोड़ करके मेरे धाम में जाना होगा। परंतु ध्रुव महाराज मृत्यु के पैर, सिर पर पैर दे करके चले गए, अर्थात उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कितनी बड़ी सफलता है, साक्षात काल आकर के निहोरा कर रहा था कि ठीक है आप जाइए वैकुंठ,
लेकिन हमारे नियम के अनुसार चाहिए। पर ध्रुव महाराज बड़े सानी भक्त थे, उन्होंने पैर दे दिया उसके मस्तक पर और चढ़ गए। और विमान पर चढ़ जाने के बाद तो काल का कोई प्रभाव नहीं, काल इसी जगत में सबका मालिक है। और विमान वैकुंठ में या वैकुंठ जाने वाले विमान में काल का कोई प्रभाव नहीं। जब ध्रुव महाराज चलने लगे भगवान के पार्षदों के साथ विमान में, अर्थात विमान जब चला तो उनके मन में एक चिंता हुई कि मैं अकेले जा रहा हूँ वैकुंठ, लेकिन मेरी माँ इसी मैटेरियल जगत में रह जाएगी, सुनीति। उनके मन में एक खेद हो रहा था कि मैं माँ के प्रति कुछ कृतज्ञता नहीं किया, माँ के कारण ही मैं भक्ति किया तो नहीं जा रही है, ये सोच रहे थे। तो भगवान के पार्षदों ने उनके मन की चिंता को समझ लिया और ये लोग कहे, महाराज आप चिंता मत कीजिए, देखिए आपकी माँ आपसे आगे आगे दूसरे विमान से जा रही है वैकुंठ। तब ध्रुव महाराज शांत हुए, निश्चिंत हुए। इस प्रकार ये मातृभक्त श्रेयोवणी हैं ध्रुव महाराज, माँ का उपकार नहीं भूल पाए। माँ पहले वैकुंठ गई दूसरे विमान से, तब ध्रुव महाराज भी गए, और आज भी ध्रुव लोक में अपने माँ के साथ रहते हैं। प्रायः इस संसार में सबको अकेले अकेले मरना होता है, अकेले जन्म लेता है। भगवान के धाम में कोई दो व्यक्ति या परिवार के लोग, समाज के लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज अपने माँ के साथ वैकुंठ गए और आज भी बहुत सुख से हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने माँ के प्रति ऐसा कृतज्ञ होना चाहिए। भक्त के हृदय की इच्छा जान करके पार्षदों ने दिखा दिया ध्रुव को। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कितनी नम्रता है प्रभुपाद जी में, कहते हैं कि मैं भी इतना शिष्य बनाया हूँ, कोई मेरा एक शिष्य भी वैकुंठ जाएगा तो वो भी मुझे ले जाएगा। यह कितना विनीत भाव है प्रभुपाद जी का, जिन्होंने लाखों लोगों को वैकुंठ भेजा, जिनको योग्यता दिया, भक्ति दिया, वे ऐसे बोलते हैं, लिखे हैं, यदि मेरा एक भक्त भी वैकुंठ जाएगा तो मुझको ले जाएगा। यह तो प्रभुपाद जी की नम्रता है। लेकिन यह सत्य है, ध्रुव महाराज अपनी माँ को ले गए वैकुंठ और वहीं सदा रहते हैं, माता सुनीति भी रहती है। तो उस ध्रुव लोक की महिमा का वर्णन मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। गंभीर वेगो अनिमिषम,
Jyotisham Chakramahitam. Jyotisham Chakram, jitne bhi grah hai, jyotishkar se chamakne wale log, tara, grah yadi, ye sabhi bade veg se dhruv log ki pradakshina karte hain. अभी ध्रुव लोक बहुत ऊंचा है, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन परिक्रमा करते हैं. यदि कोई स्थान ऊंचा है तो नीचे से भी परिक्रमा की जा सकती है. अपने दाहिने रख करके और उसके चारों ओर घूमते रहते हैं. ज्योतिषाम चक्रम, समस्त ग्रहों का समूह परिक्रमा करता रहता. इतना महान और धाम है ध्रुव महाराज के. गंभीर वेगो, अपने अपने वेग, बड़े वेग से परिक्रमा करते हैं. हम लोग तो परिक्रमा करते हुए देखे हैं, जैसे गोवर्धन जी की, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दौड़ करके करते हैं. पैदल वॉकिंग करके चलने पर भी नानी मर जाती है, दौड़ करके कहाँ से करेंगे. और ये सभी लोग जो अनंत जीवों से भरे हैं, ऋषि मुनि सप्तर्षि गण आदि सभी बड़े वेग से परिक्रमा करते हैं. गंभीर वेगो, गंभीर वेग का अर्थ है बड़े तेज गति से चलते हैं. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये लिखा गया है कि भगवान सूर्य एक सेकंड में 16,000 मील चलते हैं, जबकि आजकल के मूर्ख वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है. पर श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट लिखा गया है कि सूर्य अपने रैबिट पर चलते हैं. 16,000 योजन, एक योजन 8 माइल का होता है. तो सूर्य इतना तेज चलते हैं. तो और भी सब ज्योतिषम चक्रम, सभी ग्रह नक्षत्र चक्कर काटते हैं ध्रुव लोक को अपने दाहिने रह करके. इसको प्रदक्षिणा कहते हैं या परिक्रमा. मैत्रेय जी उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे मेध्याम मेढ़ी के चारों तरफ है बैलों का समूह. अब तो बैलों के द्वारा दौरी नहीं होती है, लेकिन कुछ ही वर्ष पहले गाँव में जो दौरी होती थी, दौरी या धान या गेहूं को दौरी कहते हैं उसको, दौरी, तो एक मेढ़ी होती है. मेढ़ी जो प्रभुपाद जी तो उसको लट्ठा कहते हैं, लेकिन एक मोटा बांस बीच में गड़ा रहता है और उसमें से बैलों को बांधने के लिए
बहुत सी रस्सियाँ निकली रहती हैं और वही उस बांस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मेढ्याम इव गवाम गणा, गवाम गौओं का समूह, बैलों का समूह उस मेढी के चारों तरफ जैसे घूमता है, उसी प्रकार सारे ग्रह नक्षत्र सभी लोकों के निवासी ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। और अनिमिषम निरंतर निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। बहुत ऊंचा लोक है ध्रुव लोक। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत ऊंचा स्थान है भक्त का। कई लोग हैं नीचे, जैसे महर लोक आदि, यहाँ तक कि सत्य लोक भी बहुत नीचे पड़ जाता है। सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और भगवान शिव भी रहते हैं और भगवान विष्णु का भी अपना स्थान है। सत्य लोक में तीनों ईश्वर का वास स्थान है, लेकिन वो भी ध्रुव लोक से नीचे पड़ जाता है। तो जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, अपनी स्पीड से ध्रुव लोक की परिक्रमा किया करता है। तो फिर भगवान का लोक तो अब कहना ही नहीं है। जो भगवत धाम प्रकृति से परे है, उसकी तो कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। सारांश यह है कि एक न एक दिन इस शरीर को और शरीर के साथ ही स्थान को, घर को और समाज को, परिवार को छोड़ना ही पड़ता है। अतः जब छोड़ना ही है तो बहुत सुखद, बहुत ऊंचे स्थान पर जाने की चेष्टा करनी चाहिए। वहाँ कोई भी व्यक्ति जा सकता है भगवान के धाम में। बस एक ही उपाय है, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, भगवान को प्रणाम करते रहें। प्रणाम करने से और भगवान का नाम जपने से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। जिस धाम को ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, बहुत बड़ी तपस्या द्वारा, वे बहुत वर्ष जीवित रहे, 36,000 वर्ष तो पृथ्वी का राज्य किए। उस समय सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति मानव गणना के अनुसार 1,00,000 वर्ष जीवित रहता था, 1,00,000 वर्ष। और इस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। कितनी कमी हो गई आयु में, तो इसी हिसाब से और साधनों में कमी हो जाती है। पर फिर भी भगवान ने सुविधा दिया है, केवल भगवान के नाम कीर्तन से हम वही सिद्धि पा सकते हैं जो ध्रुव महाराज ने लाखों वर्ष साधना करके पाया। वैसी तपस्या इस युग में नहीं हो सकती है, परंतु भगवान का नाम तो लिया जा सकता है।
कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए ना। जो भगवान ने नियम बनाया है 24 घंटे में 16 बार महामंत्र, 16 माला करनी चाहिए, ये कौन बड़ी तपस्या है। और वही सिद्धि हमको मिलेगी जो बड़े बड़े मुनियों को मिली, बहुत बड़ी तपस्या करके, उपवास करके। ध्रुव महाराज तपस्या किए एक पैर से खड़े होकर के और अंगूठे के बल से खड़े होकर, कितनी कठिन तपस्या है। कुछ खाए पिए भी नहीं, पानी पी करके तपस्या की, इसके बाद हवा पी करके और हवा से सांस लेना भी छोड़ दिए और अंगूठे के बल खड़े रहे। हम लोग तो मन से सोच भी नहीं सकते। अब खड़ा होने की जरूरत भी नहीं है, बैठ करके जप कीजिए। या दोनों पैर से खड़ा रहे आराम से, बल्कि नाचते हुए कीर्तन कीजिए। जैसे कर सकें कीजिए, जो शक्ति है उसके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। हमको इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमको भगवान ने शक्ति नहीं दिया ध्रुव जैसा, लेकिन जैसी शक्ति भगवान दिए हैं उसी के अनुसार वे चाहते हैं कि हम भक्ति करें, गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें और उपवास में केवल एकादशी को उपवास करें। प्रतिदिन उपवास की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी बात है कि मंगला आरती से लेकर के ये भागवत क्लास तक तो उपवास करें, इतना तो कर सकते हैं ना। हमेशा बस मंगला आरती के बाद ही खाऊं खाऊं नहीं करना चाहिए। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है नियम, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या फास्ट किए उसको ब्रेक करना है। एक बार मैं प्रश्न पूछा सार्वभौम प्रभु से, तो वो कहे कि रात भर सोए बिना खाए फास्ट नहीं किए, बिन रात भर फास्ट किए अब उसको ब्रेक करना है। तो ये सब शब्द जो अंग्रेजों ने दिया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब है फास्ट को तोड़िए, लेकिन इतना फास्ट तो होना ही चाहिए कि उसको तोड़ना है 9-10 बजे तक, 9-10 बजे तोड़ देंगे ठीक है। उसके बाद तुरंत लंच और डिनर ठीक है। जो भी उपवास कर सकते हैं तो उपवास बहुत अच्छी चीज है, स्वास्थ्य के लिए भी और भक्ति के लिए भी। जितना कर सके तो करना चाहिए, परंतु अब ध्रुव की नकल नहीं कर सकते हैं। हम 16 माला जप करेंगे आनंद से, वही भगवान को प्रसन्न कर देगा।
अपनी योग्यता के अनुसार अपने शक्ति के अनुसार हमें भक्ति करनी है। ये सब कथाएं सुन करके हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। और खास करके ध्रुव महाराज ने जो माता की सदगति के लिए चिंता किया, इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा द्वारा ही प्रगति कर सकता है, कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हें भी भक्ति करने की सुविधा देनी चाहिए, वे भी जप करें, भगवान के बारे में पढ़ें, सुने, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जीवन में समय बहुत कम है, जैसे मैं कहा, यदि बहुत सफल जिंदगी होगी तो 100 वर्ष तक जी सकता है व्यक्ति, लेकिन 100 वर्ष के अंदर कभी भी कोई विघ्न आ सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। अतः इस कम समय में और विघ्न बाधा से भरे हुए समय में जो भी हम भक्ति कर सके करने चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, जय श्रील प्रभुपाद। हाँ, जरूरी हो तो पूछना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है मुझे? हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति से क्या तात्पर्य है? मतलब शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी तो वो शुद्ध भक्ति कहलाएगा? शुद्ध भक्ति हम लोगों के लिए है भगवान का जप करना, आलस छोड़ करके ठीक से उच्चारण कर सकें, यही शुद्ध भक्ति है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, आपने बताया कि ध्रुव महाराज जब विमान पे चढ़े तो काल के सर पे पांव रख के चढ़े, पर भगवत गीता में जब भगवान बताते कालो अस्मि कि मैं काल हूँ, उस समय मैं काल मृत्यु के रूप में आता हूँ, तो समय थोड़ा कन्फ्यूजन है कि लाइक भगवान कालो अस्मि, काल भगवान थे या? ऐसे तो भगवान सब कुछ हैं, इस प्राकृत जगत में भी जो कुछ है वो सब भगवान ही हैं, पर भगवान का भक्त भगवान से भी महान होता है। काल रूप से भगवान जगत का संहार करते हैं, सबको मरना पड़ता है, लेकिन भक्ति का ऐसा प्रताप है कि मृत्यु के मस्तक पर भी पैर दे करके भक्त वैकुंठ जाता है, ये भी भगवान का ही नियम है। उससे भगवान की कोई हीनता नहीं हुई। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, जैसा आप बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने भौतिक शरीर के साथ वैकुंठ, मतलब ध्रुव लोक गए, तो जैसे मतलब वहाँ तो जैसे भौतिक शरीर तो इतना मतलब टिक नहीं सकता, सच्चिदानंद जो शरीर है, जो
आत्मा है वो अमर मतलब वो उसका नाश नहीं हो सकता, लेकिन भौतिक शरीर का कैसे समझ सकते हैं कि नाश नहीं होगा? भौतिक शरीर में नहीं गए, उनका शरीर दिव्य हो गया था ध्रुव महाराज। उस विमान का ऐसा प्रभाव था, उस पर चढ़ते ही उनका दिव्य शरीर हो गया, वैकुंठ में जो भी व्यक्ति जाता है वो स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त करके जाता है। वहाँ भौतिक शरीर से नहीं जा सकता है। महाराज जी, जैसे आप बोले कि वैकुंठ में जाते हैं तो वो शरीर दिव्य शरीर लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे विश्वामित्र किसी को भेज रहे थे स्वर्ग, तो स्वर्ग तो वो स्वर्ग गए तो उसका स्वर्ग जैसा शरीर नहीं हुआ कि वहाँ रह सकते थे वो भी, फिर उसको भी नीचे भेज? साफ बोलिए, आप हम सुन नहीं रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये विश्वामित्र किसी को भेज रहे थे स्वर्ग में वहाँ पे रहने के लिए? हाँ, विश्वामित्र जी भेज रहे हैं। तो फिर वो वहाँ पे नहीं रह पाए, उनका भी शरीर दिव्य हो जाता है? राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे त्रिशंकु, उनको भेज रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, तो इधर से तपस्या के बल से उन्होंने भेजा, तो देवताओं ने कहा गेट आउट नीचे भगा दें, तो इधर से तो विश्वामित्र की तपस्या और उधर से देवताओं के द्वारा मनाही, इसलिए वो बीच में लटक गए और उनके मुख से लार निकली, लार से वही कर्मनाशा नदी बनी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को डिवाइड करती है, कर्मनाशा नदी। स्वर्ग में भी देवता लोग नहीं जाने देते हैं। इसी जगत में देखिए, यदि वीसा न हो तो कोई दूसरे देश में जाने नहीं देगा। तो वैकुंठ जाने के लिए दिव्य शरीर चाहिए, और दिव्य शरीर मिलता है भगवान का भक्ति भजन करने से। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज। हाँ बोलिए, आकाशवाणी जैसा। महाराज, जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की अपने सबसे बड़ा लोक पाने के लिए, स्थान पाने के लिए, तो उन्हें फिर उसके बाद वो उन्हें वो जो लोक मिला वही ध्रुव लोक था। अब जैसे आपने बताया कि वे बद्री का आश्रम गए, उसके बाद वो मतलब कि गए बद्री का आश्रम एयरपोर्ट था वैकुंठ जाने के लिए, इसीलिए विमान वहाँ आया ना। जो 36,000 साल रहे वो कहाँ रहे, वो ध्रुव महाराज कहाँ रहे थे? पृथ्वी पर रहे थे या उन्हें लोक मिला था सबसे बड़ा जो लोक तपस्या के बाद उन्होंने मांगा था? नहीं, इस पृथ्वी पर तो वे थे, लेकिन विमान पर जब चढ़ गए तब तो वे डिपार्चर कर लिए, अब तो वैकुंठ में रहते हैं। जो ध्रुव लोक है वही वो वैकुंठ शासित प्रदेश है, वैकुंठ का ही हिस्सा एक है। प्रलय में भी उसका नाश नहीं होता है। हरे कृष्णा महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैसे ध्रुव महाराज तो केवल पृथ्वी पे थे, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने ध्रुव लोक बनाया, तो ध्रुव लोक इस हिसाब से केवल इसी ब्रह्मांड में होना चाहिए, तो किसी और ब्रह्मांड में भी क्या ध्रुव लोक है? अगर नहीं है तो ध्रुव लोक का जो फंक्शन है यहाँ पर कि सारे ग्रह इस तरह घूमते हैं जिस तरह श्लोक में बताया गया, तो ये फंक्शन बाकी ब्रह्मांडों में कैसे होता है? अब तो ये नहीं लिखा गया है,
तो एक ब्रह्मांड में सभी लोग घूमते रहते हैं, यही वर्णन है। आपको सभी ब्रह्मांडों के बारे में जानना है तो पांचवें स्कंद से पढ़िए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने ध्रुव चरित के बारे में बताया, बहुत अच्छा। आपने पहले भी भागवत किया है ध्रुव चरित के बारे में, बहुत ही अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि आपने जैसे कहा कि माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, उनके परोपकार को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को उनकी माता ने उनको प्रोत्साहित किया भक्ति के लिए, लेकिन यहाँ तो माता पिता जो है वो निरुत्साहित करते हैं भक्ति के लिए। तो कैसे फिर कैसे हम समझें, कैसे परोपकार करें? वो तो भक्ति कहते हैं कि छोड़ो, और हम उनको कैसे कह सकते हैं कि भक्ति करो? जन्म दिया माँ ने, यही बहुत बड़ा उपकार है। मनुष्य शरीर मिला है ये, इसी के द्वारा हम वैकुंठ चाहे नरक कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर दिया है माता पिता ने, भगवान की कृपा से उन्होंने शरीर बनाया और पोसा, पढ़ाया लिखाया, यह बहुत बड़ा उपकार है। यही इसी भावना से सेवा करनी चाहिए, और कदाचित यदि दैव योग से कुछ बाधा भी हो भक्ति में, तब भी उन्हें भक्ति देनी चाहिए, भगवान का नाम सुनाना चाहिए, भगवान का प्रसाद देना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ गीता से श्रीमद् भागवतम से सुनाना चाहिए। धीरे धीरे वे भगवान के भक्त हो जाएंगे और हमारा पुत्र होने का जो दायित्व है वो पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण महाराज, महाराज यहाँ जो कहा गया है मढ़िया मीबंग गबांगणा, तो ध्रुव लोग को सब ऐसे चक्कर लगाते हैं, लेकिन ध्रुव लोग स्थिर हैं। इसे तो भागवत में वर्णन है, हर ग्रह नक्षत्रों का अलग अलग कक्षा होते हैं, सब अपने अपने कक्षा में घूमते हैं, लेकिन ध्रुव लोक क्यों नहीं घूमता है, स्थिर है? ध्रुव लोक नहीं घूमता है, वो तो अस्थिर रहता है। जैसे मेढी अचल रहती है और बैल चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे लोग सब घूम रहे हैं, और लोक घूमते हैं का मतलब है उस लोक में रहने वाले सभी जीव देवता भगवान की परिक्रमा करते हैं। यहाँ तो जोर जोर से परिक्रमा क्यों लगाते हैं दौड़ करके सब? अभी क्यों दौड़ते हैं तो गंभीर वेग मैत्रेय जी कह रहे हैं, शायद अपनी परिक्रमा पूरा करने के लिए वो दौड़ रहे हैं, वहाँ परिक्रमा के अलावा कोई उनकी ड्यूटी और नहीं है। अनिशम निरंतर कर रहे हैं परिक्रमा, यही भक्ति है ना, भक्ति में कभी भी विराम नहीं है, करते ही हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, जो महाराज जी ब्रह्मांड का जो वर्णन है भागवतम में, तो उसका हमारे लिए क्या महत्व है? हमारे लिए महत्व है कि हम सुने, सुनना ही हमारे लिए बहुत महत्व की चीज़ है।
जब हम ब्रह्मांड का वर्णन सुनते हैं तो हमारा अभिमान गलता है। हम जानते हैं सारे लोक में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वहाँ उनका जीवन का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, वहाँ भोगों का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत लंबी जीवन की अवधि है। जैसे महरलोक का वर्णन हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा गया है कि वहाँ पर स्त्रियाँ केवल एक बार गर्भ धारण करती हैं जीवन में, एक और एक ऐसा वर्ष है इलावृत वर्ष जहाँ पर केवल स्त्रियाँ हैं और पुरुष केवल भगवान शिव हैं और स्त्रियों का लीडर श्री पार्वती जी हैं और कोई भी व्यक्ति यदि भूल से भी वहाँ चला जाए तो वह पुरुष नहीं रह पाता है, वो स्त्री हो जाता है। एक बार मनु महाराज का लड़का, इस समय के जो मनु हैं वैवस्वत मनु, उनका लड़का चला गया तो उस क्षेत्र में जाने पर उनके सैनिक सब महिला पुलिस हो गए और घोड़ा भी घोड़ी हो गया और वे स्त्री बन गए, इला नाम की स्त्री। बाद में वशिष्ठ जी ने फिर कोशिश किया, दूसरा जग किया, तब भगवान विष्णु की कृपा से वे पुरुष हो गए। कई ऐसी विचित्र घटनाएं हैं उन लोगों में हुआ करती हैं और हम लोग तो इतने मूढ़ हैं कि इसी जगत को सब कुछ समझते हैं, यहाँ तक कह देते हैं ऊपर का सब लोग खाली है, कोई नहीं है, ये पता लगा लिए खाली है, कहीं गए नहीं, ऐसे बस किताब लिख देते हैं सारे लोग खाली हैं। भगवान खाली क्यों बनाएंगे, सब जगह जीव भरे पड़े हैं, अद्भुत स्थान है। जैसे कुत्ते कुछ मीटिंग करें और कहें कि ये दिल्ली के सभी भवन खाली हैं और हम लोग केवल सार्थक व्यक्ति हैं, हमारा समाज ही केवल एक समाज है, या सुअर का समाज कहे कि हमारे अलावा कोई सभ्य व्यक्ति नहीं है, सबसे सभ्य हम हैं, हमारे समाज के लोग सब ठीक हैं, ऐसे ही मनुष्य सोचा करता है, बस मनुष्य समाज ही कोई समाज है, नहीं तो इसके अलावा देवता है ही नहीं, ये सब कल्पना है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। और कोई भगवान नहीं है, यहाँ तक कह देते हैं कोई भगवान नहीं है, जो राजा है इस पृथ्वी पर वही भगवान है। इस प्रकार का दुर्विचार ध्रुव महाराज के खानदान में जन्मे हुए एक व्यक्ति में हो गया था। ध्रुव महाराज के खानदान में एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम अंग था, अभी कथा आएगी दो चार अध्याय के बाद। राजा अंग बहुत बड़े श्रेष्ठ राजा हुए, परंतु उनका विवाह गलत स्त्री से हो गया, इसके चलते उनको एक पुत्र हुआ बेन नाम का, राजा बेन, उसको मंत्रियों ने राजा बना दिया। वो जन्म से ही बहुत
दुराचारी था और राजा बनते ही फरमान जारी किया अपने देश में राज्य में कि यहाँ कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा, सारे देश में उसने मना कर दिया, कोई भक्ति नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा। तब कुछ ब्राह्मण जुटे उसको शिक्षा देने के लिए, समझाने लगे कि आप भगवान की कृपा से सब प्राप्त किए हो, इस प्रकार की आज्ञा मत चलाओ, भगवान की भक्ति करो और करने की सुविधा दो। तब वह मुनियों को डांट करके कहने लगा, तुम लोग उल्टा स्त्री हो, पालन मैं कर रहा हूँ और विष्णु का भजन करने के लिए कहते हो, मेरे अलावा कौन ईश्वर है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में सूर्य है, चंद्र है, मैं बिजली देता हूँ, तो सूर्य मेरे भीतर है, मैं नहर बना करके पानी देता हूँ, अतः वरुण मेरे शरीर में निवास करते हैं, तुम लोग विष्णु की भक्ति छोड़ दो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। इस पर ब्राह्मणों को बहुत क्रोध हुआ, वे लोग कहने लगे कि यह दुष्ट यदि जीवित रहेगा तो सारे जगत को भस्म कर देगा, इसलिए इसको मारा जाए। उन्होंने हुंकार किया, साप दिया और बेन सिंहासन से मर करके गिर गया। तो ऐसा होता रहता है, ध्रुव महाराज के वंश में इतना नालायक उत्पन्न हो गया, वो उनका पुत्र नहीं था, उनके वंश परंपरा में हुआ, तो इसलिए उसके बाद उसका जांघ मथा गया, उसकी बाँह मथी गई, तो उससे एक पुरुष निकले, भगवान के अवतार पृथ्वी महाराज। तो उन्होंने बहुत सुंदर शासन किया, तो उसके प्रभाव से बेन भी मुक्त हो गया, भगवान की भक्ति के प्रभाव से। इस प्रकार का दुर्विचार आता है कि भगवान कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, वास्तव में भगवान की सृष्टि है और एक से एक विचित्र सृष्टि है, हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हमारा अनुभव बढ़ता है कि हाँ और बहुत विशाल सृष्टि है, हम तो कुछ नहीं हैं, हमारा अभिमान गलता है, भगवान की महिमा मन में छाती है। इसीलिए सब वर्णन किया गया, सृष्टि भगवान की है, अद्भुत सृष्टि है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे आपने बताया कि ध्रुव लोक है और उसके चारों तरफ सभी नक्षत्र परिक्रमा लगा रहे हैं और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी ध्रुव लोक की परिक्रमा लगा रहे हैं, और ध्रुव लोक जो कि वैकुंठ का ही एक रूप है, तो अर्थात मतलब क्या हम ये समझें कि जाने अनजाने सभी जीव जंतु भगवान की ही परिक्रमा लगा रहे हैं और ये एक भक्ति का स्वरूप है? हाँ, जाने अनजाने तो सभी भगवान के अधीन हैं ही, तो ऐसा नहीं मान लीजिए कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं,
व्यक्तिगत अपना प्रयास करना चाहिए, प्रणाम करने का ध्रुव लोग को। देखते हैं उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को तो प्रणाम करना चाहिए, और अपनी व्यक्तिगत परिक्रमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, उनको दीजिए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपका डायरेक्ट हमें एसोसिएशन ज़्यादा नहीं मिल पाता लेक्चर सुनने का, तो हम लोग जैसे MP3 प्लेयर्स में सुनते हैं लेक्चर्स आपके। तो महाराज जी, बेसिकली अगर हम MP3 यूज़ करते हैं लेक्चर सुनने के लिए और डायरेक्ट संग करते हैं, डायरेक्ट लेक्चर सुनते हैं, तो उसमें अंतर मेनली क्या पड़ता है? अब तो हम नहीं जानते हैं कि क्या अंतर है, लेकिन डायरेक्ट सुनने का ही ज़्यादा महत्व है। वो हमारा लेक्चर हो या चाहे किसी भी वैष्णव का हो, डायरेक्ट ही सुनना चाहिए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, जैसा बताया कि ध्रुव जो ध्रुव ग्रह है उसका सभी परिक्रमा कर रहे हैं, जब ध्रुव ग्रह नहीं था तो फिर वो बाकी ग्रह का क्या स्थिति थी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि सभी लोग परिक्रमा करते हैं। ये भागवत मैं नहीं लिखा हूँ, ये प्रभुपाद जी कहते हैं और मैत्रेय जी कहते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है भक्ति हृदय बहुत कोमल होता है। ध्रुव जी अपनी माता जी को लेकर चले गए, लेकिन सुरुचि माता जी ने उनको धिक्कारा था। एक बार उनको उनके बारे में ख्याल क्यों नहीं आया? उनके बारे में तो हो गया था, वो तो मर गई थी, दवाग्नि में मर गई थी, और अपना भाई भी मर गया था। माँ थी तो माँ के विषय में सोच रहे थे। धन्यवाद महाराज। अब तो वैष्णव कोमल हृदय होता है, तो इसका अर्थ नहीं कि अब सबको विषय में सोचा करें, तो पिता को भी, मुतान पाद जी को भी ले जाएं। स्वाभाविक जो संबंध है, जिससे जैसा वैसा सोचते हैं, न्याय होना चाहिए। माँ ने बहुत बड़ा उपकार किया था वास्तव में। ध्रुव जब रोते हुए गए अपनी माँ के पास, तो माँ तो पहले से ही भक्त थी, उसने साफ कहा कि बेटा, तुम भगवान की भक्ति करो, अगर उत्तम के समान राज्य चाहते हो, सुख चाहते हो, तो भगवान की भक्ति करो, और घर में भक्ति नहीं होगी तुम वन में चले जाओ। 5 बरस के बच्चे को वन में भेज रही, उसको विश्वास था कि भगवान पालन करेंगे, भगवान कृपालु हैं। तो माँ की बात मान करके वे निकल गए घर से। कुछ दूर के बाद नारद मुनि मिले, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा है वही उचित मार्ग है। तो इस प्रकार सुनीति ने ध्रुव महाराज को भगवान की भक्ति में लगाया था, इसलिए उसका स्मरण हुआ। और ध्रुव महाराज अनुभव कर रहे थे कि
मेरे लिए वैकुंठ से विमान आया है ये मेरी माँ की कृपा है। तो स्वाभाविक माँ का स्मरण आया तो भगवान के पार्षदों ने दिखाया उनको कि आपकी माँ आगे आगे जा रही है। हेलो हरे कृष्णा, ये ध्रुव महाराज को वैकुंठ ये भगवत धाम नहीं मिलने का क्या कारण है? क्या ध्रुव महाराज को भगवत धाम नहीं मिलने का क्या कारण है? वो तो ध्रुव लोक से बड़ा होता है। भगवान का धाम ही है वह ध्रुव ध्रुव लोक। क्या प्रभु जी ध्रुव लोक भगवान का धाम है यही कहा गया है सब जगह। लेकिन भगवत धाम से तो कम नीचे है ना, वैसे क्या कारण है जो कि वो लोग नहीं मिला? हम लोग तो कोशिश करते हैं चलो ठीक है, लेकिन उनको क्यों नहीं मिला? जो कि ऐसा क्या कमी है? आपका प्रश्न मैं नहीं समझ रहा हूँ। गोलोक धाम ऐसे नहीं मिलता है। गोलोक धाम तो जब भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाता है यशोदा जी के भाव से या गोपीजनों के भाव से या सखाओं के भाव से तब मिलता है। लेकिन भगवान का धाम ये ध्रुव लोक भी है, गोलोक नहीं है। वैकुंठ भी गोलोक नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वह गोलोक जैसा है। जब हम भाव स्थापित करते हैं कि कृष्ण हमारा बेटा है, मैं माँ हूँ, या कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा प्रियतम है, तब भगवान कृष्ण मिलते हैं गोलोक वृंदावन में। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज मतलब क्रोध के वश और जो घर से निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए कि मुझे मतलब क्षत्रिय स्वभाव था उनका अहंकार बस निकल गए, लेकिन मतलब फिर ये समझ में नहीं आता कि कृपा क्यों हुई, मतलब भगवान कितनी बड़ी कृपा क्यों हुई उन पर, क्या कारण था कृपा होने का कि नारद मुनि आए उनको बताया और जिसके कारण को ये सब प्राप्त हुआ वैभव, यस तो कारण क्या था क्यों उन पर कृपा हुई है? और क्लियर कीजिए महाराज। मतलब ये मतलब ध्रुव महाराज पे कृपा की भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया उन पर मतलब बताने के लिए, और उन्होंने भी मतलब जो अहंकार बस उनको इतना हुआ था दुख हुआ था उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन फिर मतलब ये कि नारद मुनि गए क्यों उनके पास, मतलब ऐसी क्या खास बात थी, कृपा क्यों की उन पर इतनी बहुत बड़ी कृपा थी कि उनको जिसके कारण उनको ये सब प्राप्त हुआ, मृत्यु के बाद लोक प्राप्त हुआ ये सब? तो ध्रुव की जो इच्छा थी उसी के अनुसार नारद जी ने उपदेश दिया। ध्रुव को इच्छा थी सबसे बड़ा राज्य पाने की, जो राज्य ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है, मनु महाराज को भी नहीं मिला, ऐसा राज्य वे चाहते थे। यही उनके मन में जिद थी, तो उसके अनुसार नारद जी ने उपाय बता दिया
कि तुम मधुबन जाओ और वहाँ तपस्या करो, भगवान मिलेंगे, भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो ध्रुव की जो अभिलाषा थी वो पूरी हुई, और उतना ही राज नहीं मिला, सबसे बड़ा राज ध्रुव लोक। भौतिक इच्छा हो चाहे कुछ भी हो, इच्छा भगवान से पूरा करना चाहते थे, यह सबसे बड़ी बात है। भौतिक इच्छा थी, भगवान से पूरा करना चाहते थे। भगवान से मांगना भौतिक नहीं है, भगवान से मांगना ही बहुत बड़ी चीज है। मथुरा जब भगवान पहुँचे तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, एक लड़की से भेंट हुई भगवान की, जिसका नाम था त्रिवक्रा। वो तीन जगह से टेढ़ी थी, उसने भगवान को अंगराग दिया, कृष्ण बलराम दोनों को। तो भगवान उसे इतना प्रसन्न हो गए कि मांग उसको से पूछे, तुम क्या चाहती हो? जब भगवान उद्धव जी के साथ उसके घर गए तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब उसने स्पष्ट कहा कि प्रभु मैं दो चार रात आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब अंग संग चाहती हूँ। आप इतने सुंदर हैं, इतने महान हैं, कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके शरीर को अपने बाहों में पकड़ूं। तो भगवान उसकी इच्छा पूरी किए, वे दो चार रात उसके घर गए और उसको सुख दिया। भले ही उसकी भौतिक इच्छा थी, लेकिन भगवान के संपर्क से उसकी इच्छा दिव्य हो गई। भगवान से न मांगना भी एक मूर्खता है, कोई संबंध ही नहीं रखना कि हम निष्काम हो गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान से मांगना चाहिए, भगवान सबसे बड़े दाता हैं, वही माता पिता सब कुछ हैं। एक छोटा बच्चा यदि माँ से मांगता है तो उसको भिखमंगा नहीं कहा जाएगा, दूसरे से मांगता है तब भिखमंगा है। तो दूसरे देवताओं से मांगना, दूसरे देवताओं से मांगना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। भगवान से मांगना ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। भगवान कहते हैं चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते, भक्ति करते हैं, तो उसमें आर्त और अर्थार्थी और जिज्ञासु, तीन प्रकार के भक्त तो यही कह दिए। आर्त कोई दुख से कराह रहा है, बहुत दुख में है, तो भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप हमारा दुख दूर कीजिए। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र पहले एक राजा थे, उस स्थान को मैंने देखा है, मलय पर्वत पर उनका स्थान था, राजा इंद्रदुम्न। तो राज छोड़ करके वे वन में रहने लगे मलय पर्वत पर।
और उसी मलय पर्वत पर अगस्त मुनि रहते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि हमारे देश के राजा यहाँ आए हैं वन में, तब चल रहे हैं, अब राजा से भेंट करें। उनकी इच्छा थी कि राजा हमारा स्वागत करे, आतिथ्य करे, इसलिए 10,000 शिष्यों के साथ चले गए। मन में इच्छा थी कि राजा राजा है, खूब खिलाएगा पिलाएगा। तो गए तो महाराज इंद्रदुम्न भगवान के ध्यान में मग्न थे। वैसे आँख खोल करके थोड़ा देखे, देखे कि इतने साधु आए हैं, तो फिर आँख बंद कर लिए और खड़े होकर के हरे कृष्ण भी नहीं कहे, प्रणाम भी नहीं किए। तो अगस्त मुनि को बड़ा ठेस लगा। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से अपराध करता रहेगा तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्रोध से श्राप दे दिया, तुम हाथी की तरह बैठे रह गए, तुमने हमारा स्वागत नहीं किया। भोजन कराने की तो बात बहुत दूर थी, प्रणाम तक नहीं किए। वे महान मुनि थे, ब्राह्मण थे, और वे राजा थे, राजा ने प्रणाम भी नहीं किया। तो श्राप दे दिया, तुम हाथी हो जाओ, हाथी जैसे मंद बुद्धि तुम हो, तुम हाथी हो जाओ। तो वही राजा इंद्रदुम्न ने हाथी बन गए। जन्म मिला त्रिकूट पर्वत पर स्वर्ग में। तो वहीं ग्राह बने हुए एक गंधर्व थे, ग्राह बने थे, उनको भी साप मिला था देवल ऋषि का। एक बार देवल मुनि स्नान करने गए एक नदी में, तो हुहु नाम का गंधर्व अप्सराओं के साथ उसमें स्नान कर रहा था। तो स्नान करते समय उसने डुबकी लगाई और डूबे डूबे जा करके मुनि का पैर पकड़ लिया और उनको खींचने लगा। वो गंधर्व था लेकिन ग्राह की नकल कर रहा था, पैर पकड़ करके खींचने लगा। वो ब्राह्मण डूबने लगे, घबरा करके उन्होंने कह दिया तुम ग्राह हो जाओ। इस तरह से गंधर्व रहना ठीक नहीं है। अब वो ग्राह बन गए, फिर रोने लगे कि हमारा उद्धार कीजिए, उससे गलती हो गई। तब मुनि को दया आ गई, कहा कि ठीक है, तुम इसी तरह से त्रिकूट पर्वत पर जन्म लोगे और इस तरह से हाथी का पैर पकड़ोगे, तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे, तो भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो वही ग्राह बना हुआ गंधर्व पकड़ा था हाथी का पैर। जब ये हथिनियों के साथ विहार कर रहे थे उस कुंड में, सरोवर में, बहुत बड़ी गर्मी थी। पहले स्नान कराए अपने पत्नियों को, एक हाथी की बहुत पत्नियां होती हैं, तो वे सूंड से जल खींच खींच करके स्नान करा रहे, बच्चों को स्नान कराए। इसके बाद सरोवर में घुस करके जलावगाहन करने लगे, तैरने लगे। तो क्रोध करके उसी ग्राह ने उनको पकड़ लिया।
तो वे बहुत बलवान थे, सोचे कि इस ग्रह में क्या है, बहुत खींचे जोर किए, परंतु ग्रह साधारण ग्रह नहीं था। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, देवता लोग तमाशा देख रहे थे आकाश से अपने अपने विमानों पर चढ़कर, कोई बचाने नहीं आया। जब लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति पस्त हो गई, 1000 वर्ष बहुत समय है ना, बिना खाए पिए लड़ते रहे, तो अंत में उन्होंने भगवान को पुकारा कि इस संकट से अब दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, आप ही बचा सकते हैं। पूर्व जीवन में इंद्रदुम्न के जीवन में वे स्तोत्र सीखे थे, उसी को पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते अंत में भगवान प्रकट हुए तो हाथी को पकड़ करके खींचे, गरुण जी पर चढ़ कर आए थे भगवान, तो हाथी को पकड़ करके खींचे, हाथी को खींचने से उसका पैर पकड़ा था ग्रह, वो भी आ गया ऊपर, तो जल से बाहर निकाल करके भगवान ने तट पर उस ग्रह का मस्तक फाड़ दिया चक्र से, और हाथी का स्पर्श किया तो हाथी चतुर्भुज रूप में भगवान का पार्षद हो गया। हाथी को बचा करके अपना पार्षद बना करके भगवान अपने साथ वैकुंठ ले गए, और ग्रह का भी उद्धार हो, ग्रह भी अपने स्वर्ग लोक में स्वर्ग गया, गंधर्व बन गया। तो इस प्रकार गजेंद्र आर्त थे, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने भगवान को पुकारा, तो गजेंद्र की बड़ी महानता है। भगवान भी कहते हैं कि उदारा सर्व एवैते, ये सभी उदार हैं, हमको जस देते हैं भक्त, हमसे कुछ मांगते हैं तो हमारा जस फैलता है संसार में। तो भगवान से मांगना यह भी भक्ति है, न मांगना तो डिस्कनेक्शन जैसा है, हम तृप्त हैं, आत्मा राम, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, तो यह मूर्खता है। यदि हमको मनुष्य से ज़रूरत पड़ती है, मांगते हैं, हमको रोग है, हमारा रोग दूर कीजिए, हमारा ये चीज़ दूर कीजिए, वो चीज़ कीजिए, लेकिन उसके लिए बहुत कष्ट होता है, लेकिन भगवान तो सब कुछ करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है। तो भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा असली संबंध कृष्ण से है, दुख में सुख में अर्थाभाव में सब समय वही साथी हैं, और वो देंगे, थोड़ी देर होती है भगवान के घर में, लेकिन मांग पूरी ही होती है, यही नियम है। सुदामा जी भगवान के पास गए थे, यद्यपि लज्जा से वे मांगे नहीं, उनकी पत्नी की इच्छा थी कि हमको धन मिले, भोजन के बिना कई दिन बीत गया था, वो कही कि आपके सखा तो द्वारकाधीश हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं। तो सुदामा जी पहले यही सोचे कि हमको कोई इच्छा नहीं है, मांगना नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अच्छा इसी बहाने दर्शन हो जाएगा, बहुत दिन दर्शन किए हो गया, तो वे चले गए द्वारका। तो भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया, वो अपने गुरुकुल में वास के समय की कथा कहने लगे।
आपस में बातचीत करना, तो एक रात सुदामा जी रहे, बहुत बड़ा स्वागत हुआ, भव्य स्वागत, लेकिन चलते समय भगवान एक रुपया भी नहीं दिए। भगवान का अनुग्रह कैसे होता है, कृपा किस तरह से होती है, कोई नहीं जानता है। सुदामा जी रास्ते में सोच रहे थे, मैं पत्नी से क्या कहूँगा, और तुरंत मन बदल गया, वे भगवान के बारे में सोचने लगे, भगवान किस तरह मेरा स्वागत किए, किस तरह मुस्कुरा रहे थे, उनकी पत्नियाँ इस प्रकार मेरा स्वागत की, ये सब सोचते हुए आ रहे थे, तब तो अपने घर पहुँच गए उस स्थान पर, तो वहाँ देखे कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, द्वारका जैसी, तो सोचने लगे मैं मार्ग भ्रष्ट हो गया क्या, द्वारका से जा रहा था मैं द्वारका ही आ गया। तो लोगों से पूछते हैं, ये द्वारका है, उन लोग कहे कि नहीं, ये तो बिल्कुल नया नगर बना है, और तब तक घर में प्रवेश करने जा रहे थे तो देखे कि उनकी पत्नी सुशीला अनेक प्रकार के अलंकारों से सजी हुई, सुंदर वस्त्र पहने हुई निकल रहे सखियों के साथ। तो उसने बताया कि ये सब आपके मित्र की कृपा है, जो सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया, द्वारका जैसा ही भवन दे दिए भगवान। हरे कृष्णा महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है कि मुक्ति में और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन पाने में क्या अंतर है? मुक्ति पाने में और भगवान का धाम गोलोक वृंदावन पाने में क्या अंतर है? मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्ति। जन्म मृत्यु एक बहुत बड़ा दुख है, उससे छूट जाना या भगवान के रूप में समा जाना, भगवान के ज्योति में समा जाना, इसी को प्रायः मुक्ति शब्द से जाना जाता है। लेकिन असली मुक्ति है भगवान का पार्षद बन जाना, उनका सखा बन जाना, उनकी माँ बन जाना, या उनकी गौएं बन जाना, वृंदावन में उनके धाम में बानर बन जाना, वृक्ष बन जाना, ये सब मुक्ति से श्रेष्ठ है। मुक्ति बहुत नगण्य चीज़ है। भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, भगवान की लीला में शामिल होकर के उनको आनंद देना चाहते हैं। मुक्ति में यही वासना होती है कि हम जन्म मृत्यु से छूट जाएं, हमारा फिर जन्म न हो, मरना न पड़े, और कहीं जा करके आराम करें। तो भगवान के सेवा की वासना उसमें नहीं होती है, अपनी चिंता होती है। तो जिनको भगवान की चिंता है, भगवान के सेवा की लालसा है, उनको गोलोक मिलता है। तो भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति तो अपने आप मिल ही जाती है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं वे, भगवान की लीला में भगवान का कोई परिकर बन जाते हैं। तो मुक्ति में और गोलोक की प्राप्ति में बहुत अंतर है। मुक्ति में अपने सुख की वासना रहती है, और भक्ति में
कृष्ण सुख की वासना रहती है कि हम भगवान कृष्ण को सुखी करें, जैसे भी ये सुखी हों। अगर वे गाली सुन करके सुखी होते हैं तो उनको मैं गाली दूंगी। भगवान कृष्ण परम रसिक हैं, वे गोपियों की गाली सुनना चाहते हैं, अपने सखाओं की अटपटी बात को सुनना चाहते हैं, अपने माँ के हाथ से निकाले हुए माखन को खाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो यही सोचता है कि भगवान हमारी मदद करें, हमको जन्म मृत्यु से मुक्त कर दे, बाकी हम भगवान की सेवा फेर नहीं करेंगे। सेवा की जहां वासना है वहां गोलोक है। कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण को झूला झूलाना है। कृष्ण गाय चरा करके आ रहा है, उसको स्नान कराना है, श्रृंगार करना है। या वन में भी अनेक लीलाएं कृष्ण करता है, तो हमको उसकी लीला में भाग लेना है। तो जहाँ लीला में भाग लेने की बात है वह है गोलोक, और मुक्ति तो बिल्कुल निरस चीज है। हम माया से छूट जाएं, जन्म मृत्यु से भाग जाएं, बच जाएं, और भगवान हमारी मदद करें, और मदद करके वे अपने घर रहें और हम अपने घर रहें। हमको उनसे मतलब नहीं। तो भगवान ऐसे स्वार्थी को मुक्ति भी नहीं देते हैं। गोलोक देने की बात तो दूर है, मुक्ति भी वे देते हैं भक्तों को ही, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं उनको ही देते हैं। साइज मुक्ति या सारूप्य मुक्ति या सामीप्य, सब भक्तों को ही देते हैं। परंतु भक्त को मुक्ति की वासना नहीं होती है। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं दिल्ली मंदिर की तरफ से कि आप ऐसे आते रहिए, और जैसे आपने कहा कि मुख से सुनने का और समक्ष सुनने का ज़्यादा महत्व है, तो महाराज जी आप आते रहेंगे तो हमें आपके मुख से सुनने का मौका मिलेगा, ये तो MP3 पर ही सुनना पड़ेगा। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और हम महाराज जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, सब लोग मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय की जय।